हेलो गाइस, हाय, माय नेम इज़ मोहित काटपाल। वेलकम टू माय चैनल। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशनल टेक्नोलॉजी जोधपुर में वैकेंसीज निकली हैं। ये स्टैचुरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है, तो मतलब कि ये गवर्नमेंट जॉब्स होने वाली है, रेगुलर पोस्ट पे वैकेंसीज हैं। तो जो जो वैकेंसीज निकली है वो आपके सामने है। असिस्टेंट वार्डन बॉय, असिस्टेंट वार्डन गर्ल्स, लेवल फोर की सैलरी रहेगी। लेवल फोर में जो ग्रॉस सैलरी बन जाती है वो 40+ बन जाती है। नर्स की पोस्ट है, ये भी लेवल फोर की है। जूनियर असिस्टेंट मशीन मैकेनिक, जूनियर असिस्टेंट लेवल टू की सैलरी है। लेवल टू में भी 30,000+ सैलरी बन जाती है। लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, ये भी लेवल टू की पोस्ट है। एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो असिस्टेंट वार्डन बॉयज़ है उसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो असिस्टेंट वार्डन गर्ल्स की पोस्ट है उसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और जो नर्स की प्रोफाइल रहेगी उसमें प्रेफरेंस गर्ल को मिलेगी, लेकिन मेल भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है, असिस्टेंट वार्डन बॉयज़ के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, गर्ल्स के लिए भी 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नर्स के लिए आपके पास कम से कम 6 मंथ्स एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50-बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। फिर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है जिसमें इन्होंने 10+2 और 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश या फिर 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। प्लस आपको ये सॉफ्टवेयर या एमएस ऑफिस वगैरह आना चाहिए। मशीन मैकेनिक की पोस्ट में डिप्लोमा होना चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से पास आउट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। उसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम। और ये अलग अलग मशीन पोस्ट है, इसमें भी 3 ईयर डिप्लोमा और 3 ईयर एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें 10th के बाद 2 ईयर डिप्लोमा आपका लेबोरेटरी साइंस में होना चाहिए या फिर फुल टाइम 1 ईयर सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपका 4 ईयर्स का होना चाहिए। फिर लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, ये तो सारी सेम ही है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। इस पूरी पीडीएफ का पूरी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा ताकि आप डिटेल में सारी एलिजिबिलिटी और ये सब कुछ पढ़ पाएँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा। एज लिमिट जो मैंशनड है वो 27 ईयर्स है। जो ऑलरेडी निफ्ट में काम कर रहे हैं कंट्रेक्चुअल या किसी भी पोस्ट पे पहले कर रहे हैं उनको 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। रिजर्वेशन ये मैंशनड है यहाँ पे। इसके बाद अप्लाई कैसे करना है, बेसिकली डिमांड ड्राफ्ट बनेगा 590 रुपीज़ का, वो निफ्ट के नाम पे ही बनेगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा सारी चीज़। ये डिमांड ड्राफ्ट जो बनेगा डिमांड ड्राफ्ट आपको बनाना पड़ेगा 590 रुपीज़ का, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशनल टेक्नोलॉजी के नाम पे बनेगा और जोधपुर पेबल होना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको। वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो आप इनकी वेबसाइट पे पहुँच जाओगे। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो ये इनकी वेबसाइट पे पहुंच गए आप। अब यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म ये डाउनलोड कर सकते हो। ये यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने है, ये सारा का सारा बिल्कुल एक्यूरेटली भर के आपने, और जो जो इनक्लोजर्स यहाँ पे मेंशन है जैसे कि मैट्रिकुलेशन, 10+2, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन मार्क्स, जो जो भी चीज़ें आप इसमें भरोगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको सॉफ्ट कॉपीज इसके साथ अटैच करके प्लस DD भी साथ करके आपको इस वाले एड्रेस पे पोस्ट कर देना जो यहाँ पे मेंशन है। ये आप एड्रेस नोट कर सकते हो। सो थैंक यू, यहाँ पे हम वीडियो कंप्लीट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।